नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ उसे आपसे शेयर करते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इसे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। चोखा आप इस तरह से बना कर रखे रहोगे, इसमें कैसे बनाई गई है ये इसको देखने अगर आपको होंगे तो आप मेरी समोसा वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने इसे बनाने के तरीके बताए हैं। अब इसको क्या करना है कि आपको वेजिटेबल अगर चप बनाना है तो उसमें आपको क्या करना होगा कि कुछ वेजिटेबल भी आपको चोखे में मिला लेनी है। साथ ही अगर इसको पोटैटो रोल बनाने हैं तो उसमें आप वेजिटेबल नहीं भी डाल सकते हो, केवल पोटैटो वाली जो मैं समोसा में शेयर की हूँ उस तरह से बना करके भी भर सकते हो। अब मैं यहाँ आती हूँ कि आपके पास ब्रेड आपको इस तरह के चाहिए, ब्रेड आप ले लो और इसके किनारे को हमें काट लेनी होगी। काटने में इसमें जो आप रेड वाले हिस्से को देखते हो उसी को काट लेनी है। रेड वाले हिस्से को काट करके रख लो। इस तरह से दोस्तों, इसको चारों तरफ से इस तरह से काट करके मैंने रख ली है। अब इसको एक पॉट में, आपको दोस्तों अब कहीं पानी एक पॉट में रख लेने हैं, इसमें आपको इसको भिंगा देने हैं। अब भिंगा कर इसको आपको हाथ से दबा दबा कर सारे पानी जो इसने इसमें जोड़ कर रखा है इसको आपको हटा देनी है। दबा कर जहाँ तक संभव हो वहाँ तक इसको हटा दो, कहीं कहीं टूटने भी लगते हैं ऐसे दबाने से, लेकिन इसे घबराए नहीं, इसको फिर तो इसी तरह से होने ही है। अब आ जाइए इसमें जितना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो ये टूट भी जा सकता है। इसमें जो बने हुए हैं इसके भरने वाले, इसको इसमें आपको डाल देनी है। डालने के बाद अब इसको दोनों तरफ से आपको मोड़ लेनी है। इधर तो आप देख रहे हो थोड़े से टूट भी रहे हैं पहले से, और इधर से भी आपको मोड़ लेनी है। मोड़ कर अब इसमें से इस तरह से हल्के से पानी, हो सकते हैं अभी और भी इसमें हो, इसको आपको गाड़ने हैं। और इस तरह से बना लेने हैं दोस्तों। इसको वेजिटेबल चप भी बोलते हैं और इसको आलू रोल भी, पोटैटो रोल भी कहते हैं। अब इस तरह से बन जाने के बाद थोड़ी सी सूजी जो होती है उसको आप यहाँ रखें, सूजी में इसको ऐसे करके चारों तरफ घुमा दें और इस तरह से सारे के सारे बनाकर आप पहले रख लो। दोस्तों, अब ये तेल गर्म करके इसमें आपको थोड़ा बचते हुए धीरे धीरे इसमें डाल देनी है और आपके जो फ्लेम है उसको आप कम कर लीजिए। कम फ्लेम पर ये ज़्यादा अच्छे से तलेगा। मैं अभी तीन ही डालती हूँ। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके आपका कलर बदल रहा है और रेडी हो रहा है। दोस्तों, अब जो इसके कलर आप देख रहे हो ये अब तैयार हो चुका है, अब इसको आपको निकाल लेनी है। तो दोस्तों, ये बनकर रेडी हो गया आपका। अब आ जाओ नाश्ता कर लो, और इसमें जो भरी गई है उसको देखनी है आपको कि कैसे उसको बनाई है, तैयार की हूँ मैंने, तो आप मेरी समोसा वाली वीडियो देख लेना। अगर चैनल पर नए हो और इस तरह के भोजन चाहिए, नाश्ते चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं चलती हूँ, आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।